वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते। जी हाँ, एक नए उम्मीद के साथ आपकी एक नई क्लास आज आप देख रहे हैं। जीरो लेवल मैथ में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर के आए हैं आपके लिए, भाज्य भाज्य संख्या, कंपाउंड एंड प्राइम नंबर। प्राइम आपने सुना होगा, प्रीमियम सुना होगा ना, प्राइम से प्रीमियम ऑफर मिलता है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट का प्रीमियम आप लेते हैं तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा बेटर मिलता है, या फिर आपने देखा होगा बहुत जगह आपको प्राइम सुविधाएं मिलती हैं। प्राइम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फैकल्टी, एक ऐसी सुविधा जो और कोई ना दे पा रहा हो, उस तरह की, मतलब इसे बोलते हैं प्राइम। तो उसी तरह से प्राइम नंबर जो होती है वो किसी और से नहीं कटती है। कहने का मतलब, जैसे हमारे पास पेन है, इस तरह की पेन और किसी के पास ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये अभाज्य पेन है। अभाज्य मतलब और किसी के पास ऐसी पेन नहीं। तो देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, इस पे बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा। वो संख्याएं जो एक से तो कट जाए और खुद से भी कट जाए, अभी हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे, इसके अलावा वो किसी एक और भी संख्या से कटे, वो भाज्य होती है। इसकी जस्ट अपोजिट और विरोधी जो अभाज्य होती है उसमें थोड़ा सा अलग होता है। वो संख्याएं खुद से तो कट जाती हैं और एक से भी कट जाती है। कटने का मतलब पूर्णता डिवाइड हो जाए, कोई शेषफल ना है, लेकिन किसी और संख्या से नहीं कटती है। जैसे एक एग्जांपल में आप यहाँ देख लीजिए, आपके सामने है, एक एग्जांपल हमने ले लिया 9 और एक ले लिया 11। तो देखिए कंडीशन पे फॉलो कराते हैं इसको। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, देसी भाषा में आप किसी को कह रहे हो चोर है, ठीक है, चोर है। अब ये बताइए कि वो चोर है कि नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसका अपोजिट मानेंगे, आप ये मानेंगे कि वो चोर नहीं है, और फिर आप ईमानदारी का गुण उसमें ढूंढेंगे, यानी कि वो चोर नहीं इसका मतलब ईमानदार है, ईमानदारी का गुण ढूंढेंगे, अगर उसमें ईमानदारी के गुण मिलते हैं इसका मतलब वो क्या है, चोर नहीं है, और नहीं मिले तो वो चोर है। तो सिंपल सी बात है, इसे हमें देखना है ये भाज्य है कि नहीं है। तो पहले हम इसमें भाज्य का गुण ढूंढेंगे कि भाज्य के गुण इसमें है या नहीं है, अगर इसमें भाज्य के गुण है तो ये भाज्य है, नहीं तो अभाज्य है। तो भाज्य का गुण होता है कि वो संख्या एक से, खुद से तथा किसी और भी एक संख्या से कटती है। तो चलिए इनको हम एक से काटते हैं, तो एक नवैया 9 हो गया और ये कट गया। खुद की बात मतलब स्वयं से, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 और 9, ये देखिए डिवाइड हो गया। दो कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है, इसमें दोनों में ये पास हो चुका है, लेकिन एक कंडीशन और है, वो क्या है, किसी और भी एक संख्या से कटे। तो किसी और भी एक संख्या से हम काट दे रहे हैं, देखिए इसमें कौन बड़ी बात है भाई, एक संख्या से और भी काट दे रहे हैं। इसको हम 9 को 3 से भी काट सकते हैं, ये देखिए 9 कट गया, यानी ये भाज्य की पूरी कंडीशन को फॉलो करता है, एक से कटा, खुद से कटा, किसी और भी एक संख्या से कटा, अतः 9 इज अ कंपोजिट नंबर, यानी 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य भाज्य में बड़ी पॉपुलर टॉपिक है, क्वेश्चन आता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 ये एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है। जैसे सेम टू सेम श्री रामचंद्र जी की लड़ाई हुई थी, आपने देखा था रावण से, तो उसमें क्या था, विभीषण जी थे जो कि राक्षस नगरी में और राक्षस फैमिली से होते हुए भी श्री राम जी की पूजा करते थे, तो बस बिल्कुल 2 एकदम वैसे ही है, ठीक ना। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और भी, ये तो भाज्य का आप कंडीशन जान ली, लेकिन अभाज्य देखिएगा, दोनों समझ जाएंगे तो नहीं बोलेंगे। देखिए दोनों का मिला जुला रूप देखिए, इसको आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं तो अभी हम बहुत सारी एक्सरसाइज करवा देंगे, कभी भूलेगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। सौरभ सर देखिए किसका फोन आ रहा है, अभी उठा लीजिएगा। तो आप देखिए अभाज्य पे आते हैं, इसमें हमने एग्जांपल लिखा था 4, 9, 12, 21, ये सभी भाज्य हैं। अभाज्य की बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो इसमें आपका सबसे पहला आएगा 2, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13, चलिए इसमें से कोई एक लेकर ट्राई करते हैं, मानते हैं 2 ले लिए। अब भाज्य संख्या पे इसको हम पहले
तौलेंगे भाज जी के तराजू पे, तो एक से कट जाए, एक दूना दो कट गया, खुद से कट जाए तो भाई इसको खुद से भी काट दो फटाफट, दो को दो से, दो एकम दो, ये कट गया। लेकिन अभी इसकी एक कंडीशन और बची है, इसको ये नियम भी फॉलो करना होगा तभी ये भाज्य कहलाएगी, किसी और भी एक संख्या से कटे। अब आप बताइए कि ये जो दो है ना, कोई और संख्या है, कोई और अंक है जिससे कट जाए? एक से बड़ी संख्याओं की बात हो रही है, जीरो पे मत जाइएगा, यहाँ पे चाहे आप तो लिख लीजिए, जो संख्याएं एक से, खुद से अथवा किसी और भी संख्या से मतलब कटे वो भाज्य कहलाती है, बट संख्याएं एक से ऊपर होनी चाहिए जिससे कटेंगी, ठीक ना? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए एक से ऊपर। है कोई संख्या, कोई अंक है जिससे दो कट जाए? और जल्दी कमेंट करिए, है या नहीं है, यस या नो? नहीं है ना, यानी दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से तो कट रही, खुद से भी कट रही, बट इसके अलावा अब ये किसी और से नहीं कटेगी, एक से कोई और इससे बड़ा अंक हो उससे नहीं कटेगी किसी से भी। और इसी तरह से आप और भी ट्राई कर लीजिए। मानते हैं कि हमने एक आपको एग्जाम्पल और भी दिया था, वो कौन सा था, 11, या फिर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, एक से काटेंगे, एक एक कम एक ये कट गया, एक एक कम एक ये कट गया। अब आप इसे खुद से काटिए, 11 को 11 से, 11 एक कम 11 ये कट गया, बट क्या कोई और ऐसा डिजिट है, कोई और ऐसा नंबर है जिससे 11 कटेगा? एक और 11 के अलावा कोई और है जिससे कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के पैर सपोर्ट के साथ मैं फुल कॉन्फिडेंस पे बोलता हूँ कि अगर आपको मैथ नहीं आती तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ मैथ सिखाता हूँ, लेकिन वो आप लोगों का प्यार है जो आप लोग ये हमें गारंटी लेने की क्षमता देते हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और लाइक अवश्य करें, अगर आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाता है और जिसे कहते हैं ना उत्साह मिलता है, और फिर अगली क्लास में ये कोशिश होती है कि और बेहतर से बेहतर आपको दें। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो ऐसे जानते हैं ना आप लोग, अरे यार कोई रिस्पॉन्स तो मिल ही नहीं रहा है, चलो पूरा कर देते हैं क्लास। तो फिर वही आपने सुना होगा, एक कहावत दादी बोला करती थी, बांधे बनिया बाजार नहीं लाकर, है ना? तो बुरा मत मानिएगा कोई भी, बस थोड़ा सा दिमाग चेंज करने के लिए यूज करिएगा। हो गया ना, सभी लोग कर लिए? हाँ, तो अगर आप डेली क्लास चाहते हैं तो ऊपर दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें और इस पे कांटेक्ट करेंगे, आपको पर डे की क्लास मिलेगी, ठीक है? 9793488448। चलिए आगे चलते हैं, और हम अब आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ से आपका कंप्लीट और फुल रिवीजन होगा। अब आप लोग इस पे एक्सरसाइज करेंगे, भाज्य भाज्य संख्या की बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप लोगों ने अगर इसको नोट नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको और बहुत सी एग्जाम्पल बताते हैं, ये जान लीजिए आपकी क्लास में खासियत ये होती है, जीरो लेवल में आप लोगों ने पहला नंबर तो क्लास को ज्वाइन किया होगा, जी हाँ ज्वाइन किया होगा, जिसके लिए आप लोग जानते हैं कि क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको 500 का पे करना होता है, जिसके बाद आपको बिल्कुल बेसिक मैथ कम्प्लीटली सिखाया जाता है। इन नंबरों पे आप संपर्क करेंगे, आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा, और क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 500 का पे करना होता है, वो भी सिर्फ एक बार करना होता है, और ये पेमेंट आप लोगों से इसलिए लिया जाता है, मात्र 500 रुपये सिर्फ एक बार, जिससे कि आपकी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। जैसे आप जानते हैं क्लास रिकॉर्ड करने में आपको बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध कराने होते हैं, तब ये क्लास आप तक पहुँचती है, रिकॉर्ड होता है या लाइव होता है, सभी के लिए हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। तो इन सभी सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग लिया जाता है, जिसे आप लोग करते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है? तो इनको नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने, हम चलें आगे चलते हैं। देखिए आगे हम एक्सरसाइज करेंगे कि आपको भाज्य भाज्य संख्या कभी सताए ना, मतलब कहीं भी फंसे ना सवाल इस टाइप का। क्वेश्चन देखिए पहला, चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, 9, ऐसे नहीं सही रहेगा, ऐसे बताइए, कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर पहला है इसमें, देखिए पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या कौन है, 4, 2, 9 और है 21। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपका कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। आपको लिखना होगा Q1
अगर ए सही है तो लिखेंगे ए, अगर हाँ एक बात और, इसमें आप चाहे तो क्यों ना लिखें, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1A, 1A मतलब पहला का ए हो गया, और अगर इसमें डी सही है तो आप लिख सकते हैं 1D या 1B, जो भी सही है आप ऐसे कमेंट करेंगे, ठीक है ना, और आपके सभी कमेंट्स से बोले जाएंगे या फिर आपको वो लिख करके मिलेंगे, रिप्लाई मिलेंगे। दूसरे सवाल पे चलते हैं, जल्दी से नोट करिए फटाफट और कमेंट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कौन भाज्य है, इसमें से कौन भाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन है 99, दूसरा है 79, तीसरा है क्या है 73, चौथा है 29। जल्दी से बताइए कौन कौन भाज्य संख्या है इसमें से। हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, आप लोग जवाब देंगे 2A, 2B या 2C, जो भी सही होगा, और थर्ड नंबर पे आ जाओ जल्दी से सभी लोग, फटाफट फटाफट। वो क्या कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। अगर आप लोग इन सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बस कोशिश ही करना है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है, ये सवाल नंबर जो पहला था ना, अब इसको हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं और पहला की जगह इसको चौथा कर देते हैं। अब बताइए कौन अभाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन है 81, 72, 93 और एक है 21। क्यों, 4 का जवाब दीजिए, आप लोग लिखेंगे अगर ए सही है तो 4A, सी सही है तो लिखेंगे 4C, डी सही है तो 4D। जल्दी जल्दी से कमेंट करें फटाफट। हो गए सभी के जवाब, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाओ तैयार, जो कि आपके सामने आ चुका है। नंबर 5, कौन भाज्य है ना, इसके ऑप्शन जो है ना ये बदल जाएंगे। अब पांचवा सवाल देखिए, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ये है, कौन भाज्य है? भाज्य की बात हो रही है, 121, 129, 117 और ए एंड सी दोनों। जल्दी से बताइए फटाफट, सभी लोग कमेंट करेंगे। पांचवा तक हो चुका है, अब ये आपका हो जाएगा छठवां क्वेश्चन, और सबसे छोटी भाज्य संख्या ना, हाँ इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, सबसे छोटी बट उल्टा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, रुकिएगा, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, जल्दी से बताइए सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या। पहला ऑप्शन 1, 0, 2 और 4। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, 6 क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, हम आगे से हट जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा आपकी परीक्षा के लिए। लेकिन अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप जानते हैं कक्षा 7-8 तक तो पिटाई होती स्कूल में ना, उसके बाद टीचर लोग नहीं बोलते कि भैया पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ते हैं, कोई बोलता भी आपने सुना होगा तो बोलते हैं चल अब चौराहे पे मिल ले, है ना, तो भाई अब जमाना बदल रहा है। लिखिए जल्दी से कौन अभाज्य संख्या है, एक सवाल और इसमें देते हैं, आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है 211, 372, 178, 307 और एक है ए एंड डी दोनों। ये सातवां सवाल आपके लिए है, जल्दी से आप लोग इनके भी जवाब दीजिए। आपकी क्लास पूरे पूरे 1 घंटे की होगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जैसे ही हमारा सारा जो सिस्टम है अपडेट हो जाता है आपकी क्लास का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसे आप लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी क्लास कोई बंद नहीं है, सभी क्लास चल रही है। जो क्लास 2 घंटे 2.5 घंटे की होती थी वो क्लास 20 मिनट 25 मिनट में ख़त्म हो जा रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि गागर में सागर भरना वाला तरीका रहे और आपके क्लास में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को शामिल किया जाए।
नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, भाज्य अभाज्य के एक पड़ोसी हैं अपवर्त, इनको अपवर्त और समापवर्त को भी हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ देख लिया होगा, तो उसके आगे हम आपको दिखाते हैं अपवर्त क्या होता है। जैसे कि एक संख्या मैंने ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, और इधर साइड हमने लिख दिया 27। देखिए 3 से भाग करने पर ये पूरा पूरा कट जाएगी ना, कट जाएगी ना, इसलिए क्या हुई, अपवर्त हुई। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे जान सकते हैं कि किसी भी संख्या के पहाड़े को अपवर्त कहा जाता है। पहाड़ा मतलब आप जानते हैं 3 × 9 = 27 आता है ना, और 3 × 6 = 18 आता है ना, तो 18 भी क्या है, अपवर्त है। किसका, 3 का अपवर्त 18 भी है, 27 भी है, 6 भी है, 15 भी है, और 3 × 6 = 60 भी है। अब आप कहेंगे कि 3 की पहाड़ा में 60 तो आता नहीं है, आता है, 3 का पहाड़ा 20 बार पढ़िए तो 60 आता है, यानी वो भी क्या है, अपवर्त है। जरूरी नहीं कि बस 3 × 30 हो गया तो ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होता ऐसे। तो ये अपवर्त मतलब होता है, समझ गए ना, ठीक है। और इसमें एक होता है गुणनखंड, अपवर्त और गुणनखंड ये दोनों मिले मतलब मिले जुले होते हैं। गुणनखंड की अगर बात करें तो वो क्या होता है, बिल्कुल इसी का थोड़ा सा हटके होता है। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, हमने इधर लिखा 27, ये मैं गुणनखंड की बात कर रहा हूँ, गुणनखंड। जैसे मैंने लिखा 27, अब 27 को हम काटेंगे 3 से, तो 3 × 9, फिर 3 × 9 = 27, देखिए 3 × 3 3 बार कर दें तो 27 आ जाएगा ना, यानी ये जो 3 × 3 है क्या है, ये 27 के गुणनखंड है, इसे गुणनखंड बोलते हैं। जैसे हमने 6 लिखा, 6 का लिखा 2 × 3, तो ये 2 × 3 क्या है, ये 2 और 3 गुणनखंड है 6 के, समझ गए ना। तो ये होता है अपवर्त और गुणनखंड, इसमें आपको हमने 60 में दिखा दिया थोड़ा सा। आप लोग क्लास को अवश्य लाइक करें, और अगर पढ़ाई से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है आपके दिल में, कोई भी सवाल उठ रहा है, तो उसे आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं, और इन सवालों को आप बिना पूछे भी जान सकते हैं। इसके लिए विजिट करें pvrstudy.com, अपने pvrstudy की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करें, कहीं भी ओपन करें, डेस्कटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, किसी भी ब्राउजर में टाइप करें pvrstudy.com, आप कंप्लीट सलूशन पा सकते हैं अपनी किसी भी समस्या का। इसके अलावा यहाँ पर आपको PDF फाइल, टेक्स्ट फाइल, वीडियो कोर्स, लाइव कोर्स और पढ़ाई से संबंधित प्रत्येक प्रकार का सपोर्ट मिलेगा। किसी प्रकार की अन्य समस्याओं की अपने समाधान के लिए और सुझाव विचार के लिए आप आपके अपने PVRstudy के टेक्निकल डिपार्टमेंट और सपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी समझें आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करने के लिए 94 55 63 38 37 पर मैसेज करें, आपकी क्लास ज्वाइनिंग बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। आप इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, समझ गए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, तो बिल्कुल मत घबराना, बस PVRstudy अपने फ़ोन में लगाना और फिर लग जाना। जी हाँ बिल्कुल, इस टॉपिक को याद रखना, जाने दो या जान दो। जान देने का मतलब ये नहीं कि भाई मर जाओ, नहीं, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। जाने दो या जान दो का मतलब या तो आप मत करिए, या तो करिए तो जी जान से करिए, कोई भी काम हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, बशर्ते उस काम का परिणाम जब आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा काम करिए। देखिए जैसे कि मैं आपको क्या बताने वाला था, आपकी जो क्लास होती है 0 लेवल की, वो यहाँ से होती है। इसे तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कक्षा 1-2 में, है ना, क्लास 1-2 में, ऐसे जोड़ा 9, 8, 17 हासिल आया, 1 हासिल लेके यहाँ को लिया है तो भाई ऊपर, जिससे भूलने ना पाए, और 7 × 3 = 10 और 1 हो गया 11, हासिल आया 1 × 3 = 4 = 5, यहाँ से आपकी 0 लेवल स्टार्ट होती है। अब अगर आपको इसके पीछे भी नहीं आता है, जैसे 3 में 3 जोड़ा तो क्या होगा, अंगुली गिन गिन के, तो बताइएगा, वहाँ से भी शुरू करेंगे। तो आपकी 0 लेवल की क्लास यहीं से शुरू होती है और यहाँ तक नहीं चलती है। इसके अलावा आपकी ये शुरू यहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ पर होती है, आप लोग 10th और 12th तक पढ़ते हैं, जैसे ये आपने सुना होगा ना, cos²θ + sin²θ, है ना, ये यहाँ कुल तक जाती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, ये
इसे क्या बोलते हैं, जैसे हमने लिखा 7x2, ऐसे ये dx क्या है ये बताइएगा, यहाँ तक जाएगी आपकी मैथ, वहाँ से शुरू होगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कुछ लोग तो ये सोचते हैं भाई क्या यहाँ एक दो क्लास की मैथ होती है क्या, तो एक दो क्लास की नहीं होती है, एक और दो को अगर बगल में लिखे ना तो 12 बन जाता है ना, तो आपको यहाँ तक की मैथ मिलेगी, मतलब 12 तक की मैथ मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल 10th तक की मैथ हो रही है, टाइम एडजस्ट किया जा रहा है, जैसे ही समय बचेगा वैसे 12th की क्लास भी शुरू हो जाएगी आपकी, और आप आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच, मैथ आसान है। थैंक यू, कृपया इस क्लास को तुरंत लाइक कर दें, अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा इसमें से तो कमेंट अवश्य करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके अगल बगल वाले भी समझ जाएं, ऐसे भी ज़रूरतमंद अभ्यर्थी हैं जो आपके खास मित्र हैं या वैसे नॉर्मल ही मित्र हैं, उन्हें भी इसको शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके और हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, जिससे कि हम कोशिश करें अगली क्लास में आपको कुछ और बेहतर दें, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, इस क्लास को शेयर करके जाइएगा और दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करिएगा, जिससे कि आप हमारे साथ बने रह सकें। याद रखें हर दिन आपकी क्लास जो होती है शाम को 7 बजे से होती है, जीरो लेवल मैथ है, जो कि प्रेजेंट टाइम की अपडेट है, यानी कि अप्रैल 2019 की। अगर कोई भी अपडेट बदलता है तो आप इन नंबरों से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा आपकी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आपने लैला मजनू की कहानी तो सुना होगा, क्योंकि वो प्यार में दीवाने थे। सोचिए अगर आप पढ़ाई में दीवाने हो जाए तो, अगर आपका मैथ कमजोर है, आपको गणित नहीं आती है, आपका सिलेक्शन गणित की वजह से रुक रहा है, तो आज ही ये टेंशन छोड़ दीजिए। पीवीआर स्टडी आपके लिए लाया है जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक की मैथ, यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक की मैथ सीखें चुटकियों में। आज ही ज्वाइन करें पीवीआर स्टडी की मैथ की क्लास और बन जाएं हीरो।